अरे ये पुलिस वालों ने फ्रैंक के भैया को क्यों पकड़ लिया है? अबे इन्होंने तो मुझे जेल में डाल दिया। अभी कौन सा जेल है? मैं तो भाग रहा हूँ इस जेल से, भागो भागो। अरे 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 तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मेरी उम्र है 5 साल और मुझे शिमला मिर्च खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी आप सोच रहे होगी कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ। मैं इधर जानवर मारने आया था, थोड़ा टाइम पास करने आ गया था यहाँ पे, पर मुझे तो कोई जानवर मिल ही नहीं रहा है। इतनी देर से क्या करूँ यार, कोई भी नहीं मिल रहा है। बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ मैं, लगता है मुझे घर ही जाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया की कहीं भी लड़ाई हो गई है तो बोला कि तू कहीं घर से बाहर चला जाए, इसलिए मैं घर से बाहर आ गया था। चलो चलते हैं अब यहाँ से। उन्होंने बोला वो लड़ाई करने जा रहे हैं तो क्या पता वो घर पर हमला नहीं हो जाए, इसलिए मुझे इन्हें भेज दिया था। पता नहीं कौन सी लड़ाई करते रहते रहते हैं। मुझे लेके चलते तो मैं सबको एक बार में ही मार देता। चलते हैं अब यहाँ से फटाफट से। तो अभी मैं फ्रैंकलिन भैया के घर जा रहा हूँ जल्दी से, अब हम पहुँचने ही वाले हैं बस। चलो चलते हैं, मजा आ रहा है। गाड़ी तो बिक मस्त है। अरे वो कौन है? अरे ये फ्रैंक के भैया के घर के बाहर कौन खड़ा है? रुको मैं यहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ। कहाँ पे लगाऊँ? यहाँ पे, यहाँ से दिख जाएगा मुझे। चलो यहाँ से देखते हैं कि फ्रैंक के भैया के घर के बाहर कौन खड़ा है। स्नाइपर निकाल लेता हूँ अपनी। अरे ये कौन है भाई, कौन है? अरे ये तो पुलिस वाले हैं। अरे इन्होंने तो फ्रैंक के भैया को पकड़ लिया है। अरे कितने सारे पुलिस वाले हैं। अरे यार इन्होंने कैसे पकड़ लिया फ्रैंकलिन भैया को? क्यों पकड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। अरे फ्रैंकलिन भैया भी खड़े हैं हाथ ऊपर करके, और ये सब ऊपर उनके ऊपर बंदूक लगा के खड़े हैं। क्या करे क्या करे? अरे यार मुझे लगता है इनको मारना ही पड़ेगा पुलिस वालों को। यार मैं चाहता हूँ। अरे 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 गिर गया। अरे एक कमर टूट गई यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं। पर ये पुलिस वाले तो मुझे ही मार देंगे, मैं कैसे मारूंगा उनको? मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार फ्रैंकलिन भैया को किसने पकड़ लिया, यार कैसे करूँ? अरे ये क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन भैया तो भाग गई। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहे हो? अरे फ्रैंकलिन भैया तो भाग गए। रुको मैं आ रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ भाग रहे हैं यार, पुलिस वालों को मार के भाग गई तो। अरे रुको मैं आ रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया। अबे यार इन्होंने तो मुझे पकड़ लिया यार, ऐसे मैं तो मजाक में लड़ाई कर रहा था उनके दोस्तों से, तो कर रहा था। मेरे पास सारी गन्स तो है, आज मारूंगा सालों पुलिस वालों को। अबे खरगोश कहाँ से भाग रहे हैं इधर उधर? चलो इनको मार के देखते, थोड़ा टाइम पास करते हैं। अपन डरते तो नहीं पुलिस वाले से? अबे सामने पुलिस वाले आ गए, भागो भागो यहाँ से, भागो। डरता तो ऐसे, मैं तो मजाक कर रहा था, जल्दी भागो यहाँ से। अबे यार क्या करूँ यार, भागो जल्दी भागो। अरे सामने से भी पुलिस वाले आ गए। अरे आंटी हटो हटो जल्दी हटो, अबे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा यार, इतने सारे कैसे आ गए पुलिस वाले? अबे शिनचैन भी पता नहीं कहाँ पे, मुझे समझ नहीं यार क्या करूँ। एक तो यार मुझे गन निकाल के रखनी नहीं चाहिए, भागता रहता तो जल्दी जल्दी भाग पाऊँगा मैं इससे। ये यहाँ से कूद के भागते जल्दी से। अरे भागो भागो यहाँ से, तो बस ये पुलिस वाले मुझे पकड़ ना लें यार, भागो यहाँ से। अबे यार मुझे पुलिस वालों ने पकड़ ही लिया यार, भी देखो मैं गाड़ी में, देखो ये सब जा रहे हैं वापस, ये मुझे गाड़ी में बिठा लिया इन्होंने, सीधा लेके जा रहे हैं वो जेल। अबे अब क्या होगा यार, पहले शिनचैन को जेल लेके गया, मेरे को लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है इनको और कुछ काम हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने मुझसे काम करवाया था शिनचैन को छुड़ाने के लिए। तो शिनचैन आ ही जाएगा, उसको पता तो चल ही जाएगा, वो पुलिस वाले वहाँ पे मेरे घर के वहाँ पे भी तो खड़े हैं। अबे यार क्या हो गया ये, ऐसे तो मजाक में लड़ाई कर रहे थे, फालतू में पकड़ के लेके जा रहे हैं। ओ अंकल छोड़ दो ना मुझे यार, कहाँ लेके जा रहे हो? तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे जेल के, यहाँ पे ये देख सकते हो मुझे ये लेके जाया जा रहे हैं। तो सही में जेल लेके आ गया, मुझे लगा कहीं और लेके जाएगा, वही जेल ही लेके आ गया है। देखते हैं क्या होता है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। ओ भाई गेट ही तोड़ दिया इन्होंने तो। वो भाई यहाँ पे पुलिस वाला और भी खड़े हैं, ये कोई जनरल वनरल नहीं लगता है यहाँ पे, मिलिट्री के। ओ भाई क्या है ये सब यार, जेल में लेके जा रहे हैं सही में। मुझे जेल के अंदर डालेंगे कि बाहर ही खड़ा रखेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ मैं। ओ अंकल छोड़ दो मुझे। ए बेटा अब तो तू मरेगा। क्या मरूंगा? अच्छा चल पका मत, मैं जा रहा हूँ। अबे क्या है मरूंगा बोल रहा है, चलो मैं तो चलता हूँ अभी, देखते हैं। इसने बोला अंदर जाओ, सीधा सीधा चलते हैं। ओ भाई गेट खोलो। तो अभी मैं आ चुका हूँ अंदर, और मुझे सही में जेल के कपड़े दे दिए, देखो मैं ऑरेंज कलर का पता नहीं कौन से गंदे कपड़े दे दिए, और सबके सब यहाँ पर खड़े हैं। मुझे लगता है अब सही में मुझे इन्होंने जेल में ही डाल दिया है। अरे क्या मारने आ रहा है क्या मुझे, सही में मारने आ रहा है क्या? मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। अरे पुलिस वाले इससे पूछता हूँ कैसे जा सकते हैं ऐसे बाहर। ओ भाई मैं इधर से बाहर कैसे जा सकता हूँ? तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते, आज तुम मरोगे। जल्दी जाओ, इस ग्राउंड के 10 चक्कर काटो, जल्दी जाओ वरना इधर से गोली से उड़ा दूंगा तुम्हें। अरे जा रहा हूँ गोली से उड़ा रहे हो भाई? 10 चक्कर काटने मुझे इतने बड़े ग्राउंड के? चलो एक्सरसाइज हो जाएगी। तो भाई मैं तो यहाँ पे थक गया। ओ अंकल पानी है क्या आपके पास? ए बेटा जल्दी चक्कर काटवाना पड़ेगी एक थप्पड़। अरे हाँ काट रहा हूँ यार, देखता हूँ यहाँ से कोई बाहर जाने का रास्ता है कि, यहाँ से मैं बाहर ही निकल जाता हूँ। ये देखते हैं यहाँ सीढ़ियों में ऊपर जाके देखते हैं, वैसे मुझे लगता तो नहीं है पर फिर भी जाके देखने में क्या जाता है। वो सामने पुलिस वाला खड़ा है, मुझे देख तो रहा नहीं है, जल्दी से चलते हैं ऊपर, देखते हैं कहीं रास्ता है क्या बाहर जाने का। आगे चल के देखना पड़ेगा, कोई रास्ता मिल जाए तो मैं सीधा अभी भाग के निकल जाता हूँ, क्या ही कर लेंगे मेरा यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ से पहले कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा है ना यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं है।
कैमरा वैमरा हो सकते हैं पर अभी दिख तो नहीं रहे हैं कोई, चल के देखते हैं। पकड़ लिया तो कहाँ लेके जाएंगे, इधर ही तो हूँ मैं। चलो यहाँ से कूद जाता हूँ मैं पहले। और अरे 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 लगी लगी, अरे यार लग गई रे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें निकलता है यहीं से, ये गेट खुल जाए बस यहाँ से निकल जाएंगे। पर इतने सारे गेट कैसे लगा रहे, अरे खुल गया खुल गया, वो भाई गेट खुल गया। पर यहाँ से कहाँ से रास्ता है, ये वाला गेट खुला हुआ है क्या, देखना पड़ेगा। और यहाँ गेट खुला हुआ है, अबे यार अभी और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर और ये गेट भी खुला हुआ है। अबे भाई सारे गेट खुल रखे हैं क्या, मेरे बाहर जाने के लिए निकाला है क्या रास्ता ये, यहाँ से खोद के सीधा निकल जाऊँगा भाई, सीधा आसान रास्ता है तो बिल्कुल से। और यहाँ पास मेरे कपड़े ऐसे हैं तो कोई पहचान नहीं ले, पर कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी खोदूंगा तो सही, देखते हैं। चलो यहाँ से खोद के देखते हैं फटाफट से। और ये कहाँ से खोदूँ यार, मेरे को लग नहीं जाए, मैं मर ही नहीं जाऊँ इधर ही। इसके ऊपर कूदते हैं वायर के ऊपर, देखते हैं। अरे 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 वायर इनविजिबल थे। अरे अभी पुलिस वाला कहाँ से आ गया, अबे सॉरी सॉरी अंकल अंकल। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो। अरे अंकल कहीं नहीं जा रहा हूँ, इधर ही हूँ। अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे अंकल कुछ नहीं यार, मैं कहाँ जाऊँ यार। अरे बेटा जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, चलो अंदर अंदर चलो चुपचाप, वरना इधर ही उड़ा दूंगा। अभी एक बढ़ेगी ना। क्या बोला। अरे कुछ नहीं अंकल, जा रहा हूँ कहाँ से जाने का रास्ता का पता है कहाँ पे, उधर से जाओ। हाँ जा रहा हूँ यार, फिर पकड़ लिया। अरे यार ये फ्रेंकी भैया को किसने पकड़ लिया यार, क्यों पकड़ लिया, पुलिस वालों ने, कि मुझे लगता है उन्होंने लड़ाई करी उसलिए उसको पकड़ लिया यार। मुझे जाना पड़ेगा फ्रेंकी भैया के पास, उन मुझे लगता है उनको भी जेल में लेके गई। अरे ये पुलिस की आवाज़ कहाँ से, अरे 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 कहाँ जा रहा है, अरे मेरी गाड़ी फोड़ेगा क्या साले, अभी तेको बताता हूँ रुक। ये लगता है चोर को पकड़ रही है, अभी इनकी मदद कर देता हूँ, क्या पता ये फ्रेंकी भैया को छोड़ दे। पर ये पुलिस वाले तो अलग है, वो तो अलग थे लगता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी इनकी मदद तो कर ही देते हैं, इनके टायर पंचर कर देता हूँ। ये गया सीधा, अरे मेरे को भी मार दिया रे, मेरी गाड़ी को क्यों फोड़ रहा है ये साले, मारूंगा अभी। अरे मत मार मेरे को, इसके पैर पे गोलियां मारूंगा ताकि ये भाग नहीं पाए, जा रहा हूँ मैं। अरे रुक जा साले मर जा। चलो ये इसके तो पैर पे गोली मार दिया, पुलिस वाले इनको पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। चलो निकलते हैं फटाफट यहाँ से फेंकते भैया के पास। अरे मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अरे यार मेरी गाड़ी का टायर किसने पंचर कर दिया यार, पीछे से गोली मार के। अरे भैया यार अब क्या करूँ यार, ये तो चल भी नहीं पाएगी ढंग से। चलो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़े चलते हैं आगे, वो गाड़ी ले लेंगे कहीं से। अबे यार कितनी धीरे चल रही है गाड़ी, अरे सामने गाड़ी गाड़ी, अरे 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 यहाँ पे मेरी गाड़ी गाड़ी गाड़ी, आराम से ही। चलो बैठते हैं इस गाड़ी में। अरे रुक जा अंकल, अरे अरे मेरे को भीड़ मत यार, क्या कर रहा है। अरे अंकल रुक जाओ, अरे एक और गाड़ी आई है, इसमें चलते जल्दी फटाफट से। ए अंकल उतरो, अरे मेरे को जाना है फ्रेंकी भैया के पास। हे बच्चे फ्रेंकी कौन है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा, गाड़ी तो आपकी मैं लेके जा रहा हूँ, फिर दूंगा भी नहीं वापस से। चलो चलते हैं फ्रेंकी भैया के पास फटाफट से, प्रिजन में। चलो चलो चलो। तो अभी मैं आ गया हूँ प्रिजन के यहाँ पे, यहाँ पे उनका बहुत बड़ा जेल है। चलो चलते हैं फटाफट से और फ्रेंकी भैया को देखते हैं क्या हुआ है। पिछली बार भी उन्होंने फ्रेंकी भैया से काम करवाया था और उसे छोड़ दिया था फिर मुझे, तो देखते हैं आज भी काम करा के क्या वो छोड़ देंगे। अरे मेरी गाड़ी यार कैसी गंदी गाड़ी है ये बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, हम तो आ ही गए, अब इस गाड़ी को तो फेंक देंगे साइड में। अरे वाह क्या बाइक खड़ी है यहाँ पे साइड में, और सामने पुलिस वाले भी खड़े हैं, इधर रुकते हैं फटाफट से। मैं तो रुक गया यहाँ पे गाड़ी कितनी बढ़िया खड़ी है, मैं जाते वक्त इसको ही लेके जाऊँगा फ्रेंकी भैया के साथ। चलो चलो चलते हैं, थोड़ा बैठ के भी देख लेते हैं। अरे वाह मस्त गाड़ी है ये तो। अरे वो पुलिस वाला मुझे देख रहा है, कोई बात नहीं बाद में चुराएंगे इसको तो। ओ अंकल कहाँ हो कहाँ हो। अरे यार यहाँ पे तो सिगरेट पी रहे, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, कोई बात नहीं इससे बात कर लेता हूँ, ये तो जूस पी रहा है। ओ अंकल फ्रैंकलिन भैया कोई आया है क्या यहाँ पे। अरे तुम फ्रैंकलिन को जानते हो, आज उसका मर्डर होने वाला है, उसने बहुत सारे गुनाह किए, आज वो मरेगा। अरे मजे क्या मर्डर करने वाले हो आप उसका। अरे यार आपने पिछली बार भी तो मुझसे काम कराया था फ्रेंकी भैया से और मुझे छोड़ दिया था। नहीं 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 यार इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार सीधा उसको मार ही रहेंगे, देख लेना इस बार तो वो बिल्कुल नहीं बचने वाला, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये देखो ये ऑफिसर जा रहे हैं ना, इनकी फ्रैंकलिन को मारने की बात ही चल रही है, वो नहीं बचेगा, तुम जाओ यहाँ से वरना तुम्हें भी मारेंगे। अरे क्या ये ऑफिसर उनको मारने वाले हैं, अभी मारूंगा आपको ये ज्यादा बोलोगी तो। क्या बोला मेरे को। अरे अरे कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं तो, कुछ नहीं बोला मैं तो, जा रहा हूँ यार यहाँ से। अरे यार इनसे पूछते हैं कि ये तो बिल्कुल मदद नहीं करी तो मुझे ही मार रहे हैं। अरे अंकल यहाँ पे कोई फ्रैंकलिन भैया नहीं आया है कि। ये बच्चे निकल ले यहाँ से, पिछली बार तुम्हारी मदद करती थी, इस बार मदद नहीं होगी, सीधा मार दूंगा उसको, निकल ले यहाँ से वरना तू भी मरेगा, वो तो आज मरने वाला है वैसे भी, कोई हमको तुमसे काम नहीं करवाना, सीधा उसको मारेंगे। क्या उसको मारेंगे और मुझे भी मार दूंगी यार, क्या करूँ यार। अरे मेरी गाड़ी कौन ले गया यहाँ से, चलो इस पे ही चलते हैं, वैसे भी मैं इस पे जाने वाला था। चलो अब जल्दी से चलते हैं यार, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है फ्रेंकी भैया को मुझे अंदर घुस के ही बचाना पड़ेगा, पर मैं कैसे करूँ यार। अरे हाँ आइडिया, मैं टोनी भैया के पास जाता हूँ, वो मेरी कुछ ना कुछ से मदद कर ही देंगी। जल्दी जाता हूँ टोनी भैया के पास, वो मुझे कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएंगी। जल्दी चलते हैं टोनी भैया के पास।